तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं इस बाइक को चेंज करने के लिए एजेंसी के अंदर, क्योंकि इसका तेल भराते भराते हम लोग का गार्ड चड्डी फट चुका है। तो हम लोग जा रहे हैं आज इस गाड़ी को चेंज करने के लिए एजेंसी में, क्योंकि एक और गाड़ी हम लोग ले चुके हैं, तो सोच रहे हैं इसको चेंज करा देते हैं क्योंकि तेल का बहुत महंगाई हो चुका है। तो चलिए आप लोग चलते हैं। और हमारे बिहार में 109 रुपया 48 पैसा तेल हो चुका है, इसलिए बात तो सही है। महंगाई को देखते हुए एक नया गाड़ी खरीदने को सोच रहे हैं। इसे थोड़ा ज्यादा तेल पीने वाली, तो वो NX 200cc का होने वाला है। तो चलिए आगे चलते हैं एजेंसी में कि कैसा हम लोग का गाड़ी है और कैसा हम लोग का अच्छी है, प्लान है, किस तरह लेते हैं, और किस तरह का प्लान है, वहाँ पे हम चलेंगे और समझेंगे। हम लोग निकल चुके हैं, हम लोग घर से 3 आदमी बात करेंगे कि NX का और क्या क्या उसका डॉक्यूमेंट देना पड़ रहा है हम लोग को। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। बजाज के एजेंसी में और इस गाड़ी को चेंज करने के लिए तो आ रहा है अभी, क्या बोलते हैं, फाइनेंस वाले जो गाड़ी का दाम लगाएंगे और इसको चेंज करना है। तो एक भाई साहब आए थे और दाम लगा कर चले गए हैं, 25,000 का दाम लगाया, तो लगा जैसे कि अपना की कोई बात नहीं। एक और भाई साहब आने वाले हैं और देखते हैं वो क्या दाम लगा कर रहते हैं, क्योंकि बजाज एजेंसी है और ये हमारा एक कपूरी छोटे भाई भी है साथ में, और ये गमछा वाला है, और ये भी भाई एक साथ में आ गए हैं। तो आप लोग देखते रहिए, आएंगे हमारे भाई जो इसका दाम लगाने वाले हैं, तो उनके आने के बाद क्या दाम लगाता है, तो आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाने वाले हैं आप लोगों को। तो फाइनली गाइस हम लोगों का गाड़ी का जो था फाइनल दाम 45,000 रुपये तक लगा दिया गया था, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि हम लोग का गाड़ी का जो ऑनर बुक है वो घर पर छूट गया जाने के कारण एक गाड़ी को हम लोग अभी परचेस बेच भी नहीं सकते और ना ही कोई गाड़ी परचेस कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग जा रहे हैं घर, कल कराएंगे अपना ऑनर बुक और गाड़ी के सेल करेंगे इस गाड़ी को, और फिर नेक्स्ट डे अपना गाड़ी लेकर जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।